वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट खतरनाक सा जर्दा ट्राइफल बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास ये एक पॉट है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं, रखते हैं मीडियम हाई और उसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून पानी ताकि हमारा जो दूध है वो चिपके ना। और अब इसमें हम डाल देंगे 3 कप रेगुलर दूध, तो ये 2 कप है और ये 1 कप, तो हो गया 3 कप। तो अब इसका हम बॉयल आने का वेट करते हैं। देखें यहाँ दूध में उबाल आ गया है, तब हम क्या करेंगे इसको हिला लेंगे और चूल्हे को स्लो कर देंगे। तो अब कर देंगे मीडियम लो और उसको थोड़ा सा गाढ़ा होने देंगे और वक्तन वक्तन चम्मच चलाते रहेंगे। तो चले अब आ जाते हैं पानी की तरफ। यहाँ देखें हमारे पास 10 कप पानी है जो कि उबल रहा है, उसका ढक्कन खोलते हैं। तो इसमें मैं डालूंगी पहले पानी में जर्दे का रंग जो कि है 1/2 टीस्पून, इसको हिला लेते हैं। और यहाँ हमारे पास वॉश्ड 1.5 कप रेगुलर चावल है, नथिंग स्पेशल, इसमें कोई स्पेशल चावल की ज़रूरत नहीं है, तो ये सिर्फ धुले हुए हैं, भिगोए वगैरह नहीं थे। इसमें हम डाल देंगे अपने चावल और चावलों को हमें पकाना है 90-95%, जर्दे में जितना रखते हैं ना उससे ज़्यादा कुक करेंगे। और अगर आप चाहें इस पॉइंट पे तो इलायची साबुत डाल सकते हैं, पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूंगी क्योंकि हम आगे जो करेंगे उसमें डालेंगे। तो बस अब इसका बॉईल होने का वेट करते हैं और उसको चलते फिरते यूं थोड़ा सा हिला लेंगे। देखें 90% ये कुक्ड हो गए और ये देखते हैं, हम इस तरह से चावल उठाया और ये देखें यूं दबाया तो ये नरम है इस तरह से, तो ये रेडी है। तो चूल्हे को करते हैं बंद और इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। तो ये स्ट्रेन हो गए, दोबारा हमने पतीले में ही निकाल लिए, चूल्हे को ऑन करेंगे बिल्कुल स्लो। और अब इसमें हम 4 टेबलस्पून बटर डाल देंगे, अगर आप चाहें तो घी डाल सकते हैं, इस तरह से डालेंगे सेपरेट सेपरेट। साथ ही इसमें अब हम डाल देंगे 1 कप शक्कर। फैला के डाल दिए और अब इसको हम कवर कर देंगे। चूल्हा हमारा है लो, लो से ज़रा सा हाई है। और अब दूध की तरफ आ जाते हैं। देखिए दूध जो है वो 25% जो है वो कम हो गया है। तब हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ मेरे पास 4 टेबलस्पून दूध है यानी 1/4 कप, इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लोर, कॉर्न सूप बनाना वाला डालेंगे और अगर आप चाहें तो कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं। बस अच्छे से घोल लेंगे। अब इसे हम एक हाथ से डालेंगे और एक हाथ से चम्मच चलाएंगे इस तरह से। साथ ही अब इसमें हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून शक्कर। अब लगातार इसको थोड़ा सा चलाएंगे 2 मिनट के आसपास। और अब इसको मज़ीद बेटर बनाने के लिए, रिच एंड क्रीमियर बनाने के लिए हम टेबल क्रीम डाल देंगे और अगर आपके पास मलाई है तो क्या बात है। ये कैन जो है हमारा 7.6 आउंस का है और आप जो है मलाई डाल सकते हैं 4 से 6 टेबलस्पून। और अब साथ ही इसमें खुशबूदार इसको बनाने के लिए हम डालेंगे इलायची पाउडर जो कि है 1/4 टीस्पून। अब मज़ीद इसे हम पकाएंगे 2 मिनट ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए। 5 मिनट हो गए, अब जर्दे को भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये देखें जो हमने बटर डाला था वो मेल्ट हो गया है, शक्कर जो है वो डिजॉल्व हो गई, तब इसको हम मिक्स कर लेंगे।
जैसे आम हालात में हम जर्दे को कितने हल्के हाथों करते हैं, इसमें हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको दोबारा कवर कर देंगे। देखिए यहाँ सेंटर में बबल 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 आ रहे हैं। तब हम क्या करते हैं, चूल्हे को करते हैं बंद और इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो बस इसका ठंडा होने का और इसके दम पे आने का वेट करते हैं अराउंड 10 मिनट के आसपास। देखिए 10 मिनट हो गए हैं, चूल्हे को अब करते हैं बंद और ये जो है हमारा ठंडा हो गया है। या तो रूम टेम्परेचर होना चाहिए या थोड़ा ठंडा होना चाहिए। तो चलें अब इसकी असेंबली शुरू करते हैं। तो यहाँ देखें हमने एक क्लियर डिश ले लिए, असेंबल्ड कोई भी क्लियर डिश में करेंगे। ये एक लेयर चावल की डालेंगे और इसको फैला लेंगे थोड़ा सा, इस तरह से कर लेंगे स्मूथ। अब इस पे हम डालेंगे रबड़ी। थोड़े दिन पहले मैंने बिरयानी बनाई थी अपसाइड डाउन, थोड़ा सा पुरानी चीज है लेकिन नया अंदाज। तो सेम ये भी इसी तरह से है, चीज पुरानी है लेकिन अंदाज नया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े ड्राई फ्रूट्स, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपके यहाँ पसंद किए जाते हो वो डालें। ये देखिए मेरे पास अखरोट है, थोड़े से ये डाल देंगे, 2 टेबलस्पून मैंने लिए थे। थोड़े से पिस्ते डाल देंगे, ये मैंने 1 टेबलस्पून भर के लिए थे। थोड़ी सी किशमिश ले लेंगे, वो भी 2 टेबलस्पून ली थी। और अब ये जो अशरफियाँ हैं टूटी फ्रूटी, ये थोड़ी सी डाल देंगे, ये 2-2 टेबलस्पून लिए। ये तो मुझे इतनी पसंद है कि बता नहीं सकते निकालती हूँ जब भी आधा खा जाती हूँ। और अब इस पे हम जर्दे की लेयर दोबारा डालेंगे। तो बेसिकली जो बॉटम वाली लेयर है उसमें हमने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, टॉप वाली लेयर में थोड़ा कम डाला है। अब ये देखें मेरे पास गुलाब जामुन भी है, ये बहुत जल्दी में बनाए गए गुलाब जामुन है, इतनी इजी इसकी रेसिपी है और मज़ेदार है। तो बेसिकली ये छोटे छोटे थोड़े चाहिए होते हैं ना, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी ये बना लिए। तो ये डाल देंगे, और अब उसके ऊपर अगेन ये लेयर डाल देंगे। थोड़ी किशमिश, अच्छा ये तो डिश बना ली, जैसे अगर डिश सर्व करनी है तो। और अगर इंडिविजुअल बोल बनाने हैं तो मैं बताती हूँ किस तरह से बनाते हैं। तो ये कोई भी आप क्लियर शीशे की प्यालियाँ ले लें और उसमें अगेन सेम ज़रदा नीचे डालेंगे और इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, रबड़ी डालेंगे। और गार्निश करेंगे थोड़ा, और आप ज़रदा डाल देंगे इसके ऊपर। अब गुलाब जामुन डालेंगे, वो ही अगेन गार्निशिंग। ये हमारी प्यारी टूटी फ्रूटी। और अब ये जो रबड़ी है ना, इसको हम निकाल लेंगे एक बर्तन में, सर्विंग टाइम पे हम इसको रखेंगे साथ ही, ताकि ऊपर से जिसको भी डालना हो वो डाल के खाए। तो देखा कैसे झटपट हमारा ट्राइफल जर्दा बन गया। और ये अभी क्या, जर्दा जो है वो गर्म है और रबड़ी जो है रूम टेम्परेचर है। ये जब बाहर रह के सेटल हो जाएगा तो ये जैसे रबड़ी एकदम गाढ़ी होती जा रही है ना, ऐसी थिक हो जाएगी और क्रीमी हो जाएगी। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा। सुपर डुपर सूदिंग है।
एक तो ज़रदा चीज़ ऐसी है और फिर से रबड़ी फिर साथ, खतरनाक ये आप लोगों के लिए। ऑसम। बाकी बनाना बनता है और सबसे बड़ी बात ये पुरानी चीज़ नया अंदाज़। कुछ दिन पहले मैंने बिरयानी बनाई थी, वो भी पुरानी चीज़ नए अंदाज से बनाई थी, तो उसका लिंक अपसाइड डाउन बिरयानी और गुलाब जामुन जो इसमें बना के मैंने डाले हैं उसका लिंक और दो तीन तरह के मैंने और भी ज़र्दे बनाए हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देखिएगा सब एक से बढ़कर रहेगा। तो चलिए जल्दी जाएँ, बनाएँ, खूब मज़े करें, मज़े करवाएँ। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। Love you all. Bye. Allah Hafiz.